नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। कलेक्टर ऑफिस में क्या ज्ञापन लेके आए? कलेक्टर ऑफिस में आज हम ज्ञापन लेके आए थे कि सूचना आयुक्तों की जो मतलब कार्यकाल है वो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुका था, परंतु उसकी नियुक्ति आज 6 महीने के अंतराल में भी नहीं हो पाई है। लगभग पूरे प्रदेश में 15,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं, तो जिनका निराकरण के लिए हमारी राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी से विनम्र अनुरोध है कि उनकी नियुक्ति की जाए और जो RTI लगी हुई है, जो जानकारी मांगी जा रही है, उसका तुरंत निराकरण किया जाए। जब तक आयुक्त की नियुक्ति नहीं होगी तो ये मामले पेंडिंग के पेंडिंग ही पड़े रहेंगे। मैं अजय वर्मा, RTI जिला अध्यक्ष जी, बताइए। देखिए, ऐसा है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में जो देरी की जा रही है, इसमें निश्चित तौर पर राज्य सरकार की मंशा में खोट है। आप समझिए कि जिस तरह से सतपुड़ा भवन में आग लगी और अन्य प्रशासकीय भवनों में आग लगी है, तो कुछ न कुछ छुपाए जाने की राज्य सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगी। और ये सच्चाई है कि सच को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार जो है लगातार इस तरह के कृत्य कर रही है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति में अभी भी 6 महीने हो गए लेकिन उनको कोई सूचना आयुक्त नहीं मिला, हैरानी की बात है। लेकिन कलेक्टरों के तबादले हो, चाहे SP के तबादले हो, ये रोज हो जाते हैं। सुबह शाम प्रशासनिक सर्जरी होती है, केवल सूचना आयुक्त नहीं मिल रहे, ये कैसी बात है जी? बताइए, आज आप लोग क्या ज्ञापन लेके कलेक्टर ऑफिस आए? देखिए, कांग्रेस सरकार का जो तरीका था और जो उनकी इच्छा शक्ति थी कि भ्रष्टाचार के बारे में और जो सरकारी जो ऑफिसर हैं या जो भी चीजें हैं इनके बारे में आम आदमी को जानने का हक था, उन्होंने RTI कानून लागू किया था और उसके थ्रू कोई भी भारत देश का या कोई भी नागरिक किसी विभाग की भी जानकारी ले सकता था। लेकिन आप देखिए, जब से BJP ने काले कारनामे किए हुए हैं और BJP के द्वारा जो भ्रष्टाचार जो बड़ी मात्रा में किया जा रहा है उसको छुपाने के लिए और RTI को कमजोर करने के लिए वहाँ पर सूचना आयोग में किसी को भी अभी वहाँ पर पद खाली है और उसको डिले किया जा रहा है, और 15,000 जो मामले हैं वो कम से कम 6 से 7 महीने से वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज सभी कांग्रेस के परिवार और सभी लोग हम आज आवेदन देने आए थे कि सूचना जो जी ये नियम है इसमें जो जानकारी देने का है और जो भी पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।